भारत सरकार ने भारत में कार्यरत जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सब के लिए एक नई पेंशन स्कीम लागू की है जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है। ये लागू होगी 1/4/2025 से। 1/4/2025 से हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी रहे हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम आपको बताना चाहूँगा कि 1/1/2004 से लागू हुई है। 1/1/2004 से लेकर के अभी तक जितने नए लोग भर्ती हो गए हैं या जितने रिटायर हो गए हैं जो सेवा में नहीं है उनको भी इस ऑप्शन का लाभ मिलेगा। वो ऑप्शन देंगे तो हम उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ देंगे। इस स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपके माध्यम से हम जनता तक, अपने रेल कर्मचारियों तो बाकी कर्मचारियों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि अश्योर्ड पेंशन स्कीम है जिसमें जो पेंशन कर्मचारी की बनेगी लास्ट 12 मंथ के एवरेज का जो बेसिक होगा उसका 50% प्लस DA उसको प्रदान किया जाएगा। एक जो निर्धारित सीमा होगी फिक्स होगी। अभी तक न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन फिक्स नहीं थी, इसमें फिक्स कर दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कर्मचारियों को एक मिनिमम पेंशन मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है तो उसकी पेंशन प्रोपोर्शनेट वे में बढ़ेगी, समानुपातिक रूप में होगी, लेकिन न्यूनतम 10,000 सबको मिलना ही है, इससे कम किसी को नहीं मिलेगा। एक तीसरी फैमिली पेंशन की बात है कि कर्मचारी को पेंशन का 60% उसके परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। एक चौथी महत्वपूर्ण चीज़ इस पेंशन स्कीम में कही गई, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट किया गया है। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जब भी बढ़ेगी, सामान्यतः वर्ष में 2 बार DA बढ़ता है, तो पेंशन में भी वो डियरनेस रिलीफ के रूप में वो चीज़ ऐड की जाएगी। और एक पांचवी महत्वपूर्ण चीज़ है, एक एडिशनल अमाउंट, लमसम अमाउंट रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। उसका कैलकुलेशन का तरीका आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो उसकी लास्ट बेसिक है उसका 1/10 वो मल्टीप्लाई किया जाएगा पूरी सर्विस में कितने इंटरवल में 6-6 महीने की सेवा पूरी हुई। अगर उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ तो अगर 30 वर्ष की किसी कर्मचारी की सेवा है तो 6-6 वर्ष को जोड़े, 6-6 महीने को अगर आप जोड़ें तो 60 times होता है। 1/10 जो बेसिक बनेगी इंटू 60 times ये लमसम अमाउंट उसको प्राप्त होगा। ये 5 इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं। बाकी जब भी नोटिफिकेशन आएगा बहुत सारे क्लैरिफिकेशन होंगे, कैलकुलेशन का मेथड आएगा, कुछ सॉफ्टवेयर भी डेवलप होंगे, उसके तहत हम इसको लागू करेंगे। बस हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1/4/2025 तक हमको कर्मचारियों के ऑप्शन लेकर के फ्रीज करके और इस दिशा में आगे बढ़ना, और एक अच्छी स्कीम है, हम कहना चाहेंगे कि इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। NCR जोन के तीनों मंडलों में करीब कितने कर्मचारी अधिकारी हैं और इनको कितना लाभ मिलेगा और इससे जुड़ेंगे? जी, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो वर्तमान में NCR के तीनों मंडल वर्कशॉप हेडक्वार्टर मिला करके लगभग 70,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 70,000 कर्मचारियों में से लास्ट 1/4/2004 के बाद देखें तो 20 वर्ष हो गया, और एवरेज एक जो लाइफ होती है लोगों की सरकारी सेवा में रहने की वो 32 से 35 साल होती, तो मान के चलें कि लगभग 55-60% कर्मचारी तो हमारे पास न्यू पेंशन स्कीम के लोग हैं जो इस सेवा को अडॉप्ट करेंगे, इस नई स्कीम को अडॉप्ट करेंगे। इसके अलावा 1/4/2004 के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो नई पेंशन स्कीम प्राप्त करते हुए रिटायर हो गए, डेथ कर गए, उन लोगों को भी ऑप्शन लेकर के इसका लाभ मिलेगा। क्या उनके परिजन जो डेथ होगी उनके परिजनों को भी इसका लाभ मिलेगा? जी, अगर कोई 1/4/2004 के बाद कोई ऑप्ट किया, वो न्यू पेंशन स्कीम का पार्ट बना और उसकी डेथ हो गई, तो जाहिर है कि ऐसे केसेज में आपको बताना चाहूँगा कि 1/4/2004 के बाद अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है डेथ केस में फैमिली पेंशन में, OPS के अकॉर्डिंग जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसका लाभ मिल रहा था, लेकिन फिर भी अगर वो ऑप्ट करना चाहेंगे तो हम उसका लाभ उनको दे सकेंगे।